नमस्कार, मेरा नाम है सहदेव और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। दरअसल सुबह से ही मैं खबरों को टटोल रहा था और खबरों को टटोलते वक्त मेरे को पता चला कि कांग्रेस का जो है आज नामांकन है, अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है। यानी कि ये बात कहीं ना कहीं तय हो चुकी है कि अब जो है अशोक गहलोत की जो है विदाई राजस्थान के सीएम पद से होना लगभग तय। अब चर्चा है कि आखिर कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। सबसे तेज, सबसे तर्रार अगर कांग्रेसी की बात करें तो वहां पर सबसे बड़ा नाम जो चर्चे में था वो सचिन पायलट का था। अशोक गहलोत को हटा करके भी वहां पर सचिन पायलट को जो है मुख्यमंत्री बनाने की मांग वहां पर चल रही थी। लेकिन अब देखिए कि अशोक गहलोत का अंदरूनी द्वेष जो है वो कहीं ना कहीं अब खुल करके सामने आ गया, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो है सोनिया गांधी के आगे जो है एक नाम रख दिया है, सीपी जोशी। जाट वोट बैंक को कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर साधने की जो है कोशिश की जा रही है, लेकिन जाट वोट बैंक को साधने में कांग्रेस अपने अन्य वोट बैंकों को जो है वहाँ पर अन्य वोट बैंक को खो सकता है। अब देखिए कि वहाँ पर जिस तरीके से सचिन पायलट को जनसमर्थन है, सचिन पायलट को बसपा से भी आए विधायकों का समर्थन है, निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, प्लस राजस्थान की कांग्रेस जो है वो दो गुट में बंट चुकी है और वहाँ भी जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर के है। इससे पहले ही कार्यकर्ताओं ने ये हल्ला शुरू कर दिया था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाना चाहिए, क्योंकि युवा हैं, तेज तर्रार हैं। 2020 की सचिन पायलट की बगावत आपको याद होगी। अगर सचिन पायलट एक बार फिर से बगावत कर देते हैं राजस्थान की सियासत में तो वहाँ पर भाजपा की सरकार आ जाएगी और कांग्रेस ताश के पत्तों के तरह बिखर जाएगी। अशोक गहलोत ने राजस्थान की सियासत में एक नए नाम को आंक दे दिया, सीपी जोशी। क्यों, हालांकि देखिए पहले से राजस्थान में जाट संगठनों और जाट विधायकों का जो है वहां पर कहीं ना कहीं जो है कोई जाट हितेशी नेता को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के चर्चा चल रही थी, तो उसी में जो है अब अशोक गहलोत ने यहाँ पर सीपी जोशी का नाम प्रेफर कर दिया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। और इस पर अब दोनों जो है यानी कि कांग्रेस आलाकमान जो है विचाराधीन है। अब देखिए कि जब एक तरफ कांग्रेस आलाकमान विचाराधीन है तो सवाल ये उठता है कि आखिर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का नाम क्यों नहीं प्रेफर किया। सचिन पायलट भी एक पावरफुल नेता है, सचिन पायलट का भी समर्थन है। कहते हैं अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट का हाथ है। अगर सचिन पायलट समर्थन हटा ले तो धड़ाम से जो है कांग्रेस की सरकार गिर जाए। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की जो अब कांग्रेस दूरदर्शी होकर के सोचती है आगे का कि क्या कुछ होगा, उनकी सरकार बचती है कि नहीं सचिन पायलट को हटाने के बाद, या सीपी जोशी को जो है वहां पर मुख्यमंत्री बना करके सचिन पायलट को एक बार नाराज करेगी। देखिए सचिन पायलट अगर कांग्रेस से नाराज होते हैं राजस्थान में तो तय बात है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में नहीं टिकेगी, क्योंकि मैंने और भी जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया था कांग्रेस की स्थिति जो राजस्थान में, तो वो सरकार बचना फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि सोच समझ के जो है वहाँ पर फैसला ले। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।